की नगरी में आके विराम भी हो गया है। राधे राधे। हेलो जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपना सफ़र शुरू करते हैं नई दिल्ली से, तो अभी हम आ चुके हैं सराय काले खां। यहाँ से देखते हैं हमें खाटू श्याम जी के लिए डायरेक्ट बस मिलती है कि नहीं, या फिर एक ऑप्शन और है, हम जयपुर होके जा सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। हेलो जी, नमस्ते, हर हर महादेव, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आज जा रहे हैं श्याम बाबा की नगरी खाटू श्याम जी के पास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप खाटू श्याम जी कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो हम आपको बता दें कि डायरेक्ट खाटू श्याम जाने के लिए सरकारी बसों की सर्विस बहुत ही कम है, लेकिन आप प्राइवेट बसों के थ्रू डायरेक्ट खाटू श्याम जी पहुँच सकते हैं। yatra.com और रेड बस के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, जो कि 500 से 600 रुपए चार्ज करेगी और आपको डायरेक्ट खाटू श्याम जी छोड़ देगी। अगर आपको खाटू श्याम जाने के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप जयपुर या सीकर होकर भी खाटू श्याम जी जा सकते हैं। जयपुर या सीकर पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट खाटू श्याम जी के लिए बस मिल जाएगी। तो अभी हमने पता किया है यहाँ से खाटू श्याम जी की कोई बस नहीं है। अभी जैसे कि आपको पता है हम अपना सफ़र शुरू करते हैं रात को। यहाँ से एक बस जाती है, वो जाती है सुबह 6:30 से लेके 7 के बीच में। तो खाटू श्याम जी के लिए और कोई बस नहीं जाती है सराय काले खां से, बट यहाँ पे जयपुर के लिए काफ़ी बसेस है। तो अभी हम जाते हैं, जयपुर वाली बस पकड़ते हैं, उसमें जाएंगे। तो फाइनली हमारी बस यहाँ पर आ चुकी है, अब थोड़ी देर में ये चलने वाली है। और मैं टिकट का प्राइस बताऊं तो यहाँ से जयपुर की जो बस है वो मेल के लिए 290 रुपये और फीमेल के लिए, यानी कि मैंने यहाँ भी अपना फीमेल होने का फ़ायदा उठा लिया, तो ये है 240 रुपये की फीमेल की टिकट। तो अभी हम चलते हैं और आपको मॉर्निंग में मिलते हैं जयपुर पे। जय खाटू नरेश, चलिए चलते हैं खाटू श्याम। तो अगर हम बात करें ट्रेन की तो हम आपको बता दें कि खाटू श्याम जी जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस का है। तो अगर आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हैं ट्रेन के थ्रू तो आप रिंगस आ सकते हैं। रिंगस से खाटू श्याम जाने के लिए जीप हमेशा चलती रहती है, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ चार्ज करेंगी। और अगर डायरेक्ट रिंगस की ट्रेन नहीं मिलती है तो जयपुर तक आ सकते हैं आप, फिर उसके बाद जयपुर से बस लेके आप खाटू श्याम जी जा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी राजस्थान के सीकर ज़िले में विराजमान हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो जयपुर में एयरपोर्ट भी मौजूद है, इसलिए आप चाहें तो बाय प्लेन भी आ सकते हैं, देन उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से टैक्सी लेके आप खाटू श्याम जी आ सकते हैं। भाई, इस टाइम मैं खड़ा हूँ जयपुर सिंधी कैंप में बस स्टैंड पे, और यहाँ से मुझे अभी खाटू श्याम की जो बस है वो मिली नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी रिंगस की बस पकड़ी है, तो रिंगस की बस पकड़ने के बाद वहाँ से हम जीप से खाटू श्याम जाएंगे। तो आपको दिखा देता हूँ, जब भी आप आते हैं तो ये उसका सिंधी कैंप है, यहाँ से आपको बस मिलेगी और यहाँ से फिर आप सीधा, अगर आप खाटू श्याम की बस नहीं मिल रही है तो आप रिंगस के लिए पकड़ लीजिए और वहाँ से जीप के थ्रू फिर खाटू श्याम पहुँच जाइए। तो हम लोग भी अपनी बस पे जा रहे हैं। आप लोग ठीक है, फिर आपको रिंगस पहुँच के मिलते हैं। ये खाटू श्याम का बस स्टैंड है, ये यहाँ से अंदर काफ़ी सारी बसें खड़ी हैं, और मैं यहाँ से दिखाता हूँ खाटू श्याम जी का जो मंदिर का मार्ग है, दरवाज़ा बना हुआ है। तो भाई, हम खाटू नरेश की नगरी खाटू आ चुके हैं और सामने हमारे, दिखाता हूँ मैं आपको, अगर दिखेगा तो सामने देखिए दरवाज़ा भी है। तो हम खाटू श्याम तक आ चुके हैं, मंदिर में थोड़ी देर में जाएंगे। और देखिए सुबह का टाइम है, बहुत रश भी हो रहा है, बहुत भीड़ है इस टाइम, सभी लोग बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग।
अभी हम सुबह यहाँ पे रूम वगैरह देख रहे हैं, रूम में जाके फ्रेश वगैरह होंगे, देन उसके बाद हम दर्शन के लिए जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के होटल्स की। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ होटल्स की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप सस्ते से सस्ते आपको होटल मिल सकते हैं, जैसे कि आप 500, 600, 700 रुपये में भी होटल मिल सकते हैं। अगर आप इससे भी सस्ता चाहते हैं कि धर्मशाला है काफ़ी यहाँ पे, तो धर्मशाला आपको 200-300 में आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर आपके पास अच्छा बजट है, आप अच्छे होटल करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी अच्छे होटल भी हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी होटल कर सकते हैं, और हो सके तो जो होटल है वो आप मंदिर के आसपास ही लें। इससे क्या होगा कि जो भी आपके शूज़ वगैरह हैं मंदिर अब जाएंगे तो होटल में आप छोड़ कर जा सकते हैं, देन आप दर्शन करने के बाद फिर आप होटल से ही अपने शूज़ वगैरह लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। ये तो आप गेट देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री होती है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी निशान यात्रा करते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, जो कि रिंगस से पैदल यात्रा शुरू होती है, जो भी निशान वो लोग यहां लाते हैं और यहां छोड़ देते हैं, उसके बाद यहां से एंट्री करते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो आइए चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ बाबा के दर्शन के लिए। तो अब हम मंदिर के प्रमाइसिस में आ चुके हैं, यहाँ आपको प्रसाद की बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी, साथ से आप प्रसाद ले सकते हैं, और साथ ही में सामने लगे एलईडी में आपको खाटू नरेश जी के पहले ही दर्शन हो जाएंगे, लेकिन असली संतुष्टि तो सामने देखकर ही मिलेगी। खाटू श्याम के दरबार में देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, और हमारे दर्शन दर्शन हम लोगों के बहुत अच्छे हुए हैं, और सभी के दर्शन अच्छे होने चाहिए, यही आशा करता हूँ मैं आप लोगों की। तो अब हम जान लेते हैं कि खाटू श्याम जी कौन हैं और इनकी पूजा क्यों की जाती है। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है, और इनका असली नाम बर्बरीक है, और ये भीम के पुत्र घटोत्कच के बेटे हैं, जिनको आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। तो ये बात तब की है जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई, तभी भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि इस युद्ध में आप किसका साथ देंगे। तभी बर्बरीक ने जवाब दिया श्री कृष्ण को कि इस युद्ध में जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण युद्ध का रिजल्ट जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों को लिए उल्टा ना पड़ जाए, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की, और उन्होंने दान में उनका शीश ही मांग लिया, लेकिन बर्बरीक ने शीश दान कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने आखिरी तक युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया और उनका शीश युद्ध वाली जगह पर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जिससे कि वो आसानी से युद्ध देख सकें। जैसे कि हम सभी को पता है कि युद्ध का परिणाम पांडवों के पक्ष में था। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में आपस में ही बहस हो रही थी कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है।
तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें ये बर्वरीक से पूछ लेना चाहिए कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्वरीक ने कहा कि इस पूरे युद्ध की जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, उनकी वजह से ही इस युद्ध की जीत हासिल हुई है। उनके इस उत्तर से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें यह वरदान दिया कि कलयुग में बर्वरीक को भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही जाना जाएगा, यानी कि श्याम के नाम से जाना जाएगा। इसलिए इन्हें आज श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, जय खाटू श्याम नरेश की। खाटू श्याम जाने के लिए आपको एक दिन का ही समय लगेगा। रात को सफ़र करके आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पहुँच सकते हैं और दर्शन करके सेम डे ही आप वापस जा सकते हैं। और ये जो आप बड़ा सा गेट देख रहे हैं, यहाँ से मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं मंदिर तक, या फिर ई रिक्शा जाते हैं आप ई रिक्शा के थ्रू भी जा सकते हैं, जो कि 20 रुपये चार्ज करते हैं। और अगर हम बात करें खाने पीने की, तो यहाँ खाने पीने की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर खाने पीने के लिए आपको छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ आप कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ मार्केट में आपको खाटू श्याम जी की बहुत सारी फ़ोटोज़ मूर्तियाँ मिल जाएंगी, जो कि आप अपने घर ले जा सकते हैं। घर ले जाने के लिए आप प्रसाद जरूर ले लें। यहाँ पर पेड़े और चूरमे का प्रसाद मिलता है, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए प्रसाद ज़रूर लेके जाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि खाटू श्याम की यात्रा करने में आपका कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप दिल्ली से खाटू श्याम बस में जा रहे हैं, तो आपका बस का किराया लगभग आने और जाने का 1000 रुपये आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें रूम की, तो यहाँ पर सिर्फ फ्रेशअप होने के लिए ही आपको रूम या धर्मशाला लेनी होती है, जो कि आपको 200 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगी। और खाने पीने में आपका यहाँ खर्चा 200 से 300 रुपये आ सकता है। तो हमारे अपने पर्सनल हिसाब से यहाँ पर जो खर्चा आएगा, वो पर पर्सन 1500 से 1800 के बीच में आ सकता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा ज़रूर लगाइएगा। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, हर हर महादेव।